तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम बात करने वाले हैं डिक्सॉन शेयर प्राइस की। तो आज मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो स्टॉक है वो गिरावट में गया, और इतना बड़ा है स्टॉक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, जब इतनी बड़ी गिरावट में रहे तो वो एक बहुत बड़ा संकेत होता है। साथ ही में बात करेंगे CDSL की जो और गिरावट में रहा, आप देख सकते हैं 5% वो भी गिरावट में रहा, तो आज दोनों की बात करेंगे। तो उससे पहले बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप फाइनली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे हमें भी अच्छा लगे और साथ में हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर बात करें इसके स्टॉक की, तो लगभग 4000 से देख सकते हैं डायरेक्ट 3900 पे आ चुका है, खास 4060 पे था और अब देख सकते हैं 4900 के भी नीचे गया जा रखा था कुछ टाइम पहले, तो ये एक बहुत बुरी बात है। तो अगर आप देखें आज के दिन से नहीं, गिरावट खूब टाइम से चल रही है, 5 दिन में 6% गिरावट, महीने भर में 14% की, 6 महीने में भी स्टॉक बिल्कुल गिरावट में ही रहा आखिरकार। और बात कर ले एक साल में पॉजिटिविटी है 140% की, बात कर ले अगर 5 साल की तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के रिटर्न बढ़िया है, क्योंकि 500 पे था 2017 में और अब ऑल टाइम हाई भी आया था, 700% रिटर्न दिए हैं। बात कर लूँ मैक्स की तो वो भी अभी 2000 देख सकते हैं आप, 2017 में इसका IPO आया था, उसके बाद से रिटर्न बढ़िया दे रहा, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक की तरह बिहेवियर मानते हैं इसका। बात करें कोविड के बाद की, कोविड के बाद जब मूव आया इसके देख सकते हैं 500% रिटर्न एक साल में ही दे दिया। अगर बात कर लूँ इसके फाइनेंशियल की, तो आप ज़्यादा खुश होंगे, आप देख सकते हैं जून वाला कितना बढ़िया गया, मार्च वाला, दिसंबर वाला, सितंबर वाला, हर क्वार्टर इतना बढ़िया गया है, स्टॉक लॉन्ग टर्म है। हाँ मैं बोल रहा हूँ स्टॉक लॉन्ग टर्म में पकड़ के रख सकते हैं। बात करें CDSL की, तो उसके अंदर आपको आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है 5% की, और आज ही नहीं अगर बात करें पिछले 5 दिन में भी गिरावट थी, महीने भर में भी 6 महीने में ज़रूर पॉजिटिविटी देखने को मिली, एक साल में भी पॉजिटिविटी रही 200% की या 200-300% की, बात करें 5 साल में भी बढ़िया पॉजिटिविटी देखने को मिली, स्टॉक 500 के समथिंग था और अब 1000 हो गया। बात कर लूँ मैक्स की, तो आपको उतनी ही देखने को मिलेगी कि 2018 में आया था। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, इसके भी अगर फाइनेंशियल दिखाऊँ तो वो ही बढ़िया परफॉर्मेंस वाले लॉन्ग टर्म स्टॉक है। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।